उन्होंने हर चीज गर्भ में ही सीख ली थी। तुम्हारे भीतर 14 महान संभावनाएं हैं। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अगर एक बूंद भी इस बर्तन से गिर जाए तो इसका सर उड़ा देना। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन वो वहीं खड़े रहे। एक ऋषि थे, एक अद्भुत ऋषि। उनका नाम शुक था। वो वेद व्यास के बेटे थे। शुक ने वो सब कुछ जो कोई सीख सकता है, सारे शास्त्र, सारा ज्ञान, सारी परंपरा और सब कुछ तब सीख लिया था जब वो अपनी मां के गर्भ में थे। उन्होंने ये सब कुछ गर्भ में सीख लिया था। जब वो बाहर आए तो वो एक छोटे संत की तरह आए। तो वो एक बाल ब्रह्मचारी थे। किसी ने उनको दीक्षित नहीं किया था, पर वो ऐसे ही थे। एक दिन शुक ने सोचा कि उन्हें वैकुंठ जाकर विष्णु से मिलना चाहिए, तो वो वहां गए। द्वारपालों ने उन्हें रोककर कहा, क्या? वो बोले, मैं शुक हूं, वेद व्यास का बेटा, मुझे विष्णु से मिलना है। उन्होंने उसकी तरफ देखा और बोले, हम देख सकते हैं कि आप ज्ञान से ठसाठस भरे हैं। हम आपके शरीर में वेद और उपनिषद देख सकते हैं। हर शास्त्र आपके शरीर में नजर आ रहे हैं, पर आपका कोई गुरु नहीं है। आपको अंदर नहीं आने दिया जा सकता, वापस लौट जाइए। तो शुक दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये गुरु क्या होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जो कोई जानना चाहेगा वो शुरू से उनके साथ था। तो वो वापस आ गए और अपने पिता से पूछा, पिताश्री, वो मुझे वैकुंठ में नहीं घुसने दे रहे, कह रहे हैं कि मुझे गुरु की जरूरत है। ये क्या होता है? मुझे वो चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान पर्याप्त नहीं है। तब वेद व्यास बोले, देखो, सिर्फ एक व्यक्ति है जो तुम्हारे गुरु हो सकते हैं, वो हैं राजा जनक। शुक बोले, ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, और वो चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महल के दरवाजे पर खड़े होकर देखा, महल को देखा कि ये कितना भव्य ऐशो आराम वाला भवन है, कितनी सुंदरता के साथ बनाया गया है। वो बोले, ये वो जगह नहीं हो सकती जहां मेरे गुरु रहते होंगे। ये कुछ ज्यादा ही आरामदायक जगह दिखती है, जो किसी आध्यात्मिक इंसान के लिए उचित नहीं है। तो वो वापस लौट गए और फिर से जाकर अपने पिता से पूछा। वेद व्यास बोले, सिर्फ जनक ही तुम्हारे गुरु हो सकते हैं। वो फिर से वहां गए और अब जाकर देखा कि महाराज तो बगीचे में अपनी रानी के साथ आराम कर रहे हैं। वो बोले, अरे, ये वो आदमी नहीं हो सकता, और फिर से लौट गए। इस तरह से वो बार बार गए और लौटे, 12 बार। तब 13वीं बार वेद व्यास बोले, देखो, यू हैव 14 ग्रेट पॉसिबिलिटीज विद इन यू। तुम्हारे भीतर 14 महान संभावनाएं हैं। 12 तुमने 12 बार आने जाने में व्यर्थ कर दी हैं। अब सिर्फ 2 और बची हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है। तो शुक महल के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्हें महल का ऐश्वर्य पसंद नहीं आया। जिस तरह से लोग बढ़िया मलमल के कपड़े पहने थे, उन्हें पसंद नहीं आया। वो बोले, ये आध्यात्मिक जगह नहीं है। पर क्योंकि उनके पिता ने उन्हें चेतावनी दी थी कि बस 2 अवसर बचे हैं, अगर तुमने वो गंवा दिए तो तुम सब कुछ खो दोगे, तो वो अंदर चले गए और जाकर बोले, मुझे महाराज से मिलना है। पहली उम्मीद तो उन्हें यह थी कि शुक वेद व्यास के बेटे जब आएंगे तो महाराज खुद चलकर उन्हें लेने आएंगे। कोई नहीं आया। तब वो गए और विनती की, मुझे महाराज से मिलना है। तो जनक ने पूछा कि वो कहां खड़े हैं। उन्होंने बताया, वहां वो उस जगह खड़े थे जहां आमतौर पर महल से बाहर वो सारा कचरा फेंका करते थे जो जाकर एक गड्ढे में गिरता था। वो उस जगह खड़े थे। जनक बोले, उनसे कहना ठीक वहीं खड़े रहें। और वो उसी जगह खड़े रहे। जैसे ही शाम हुई, वो दिन भर का कचरा वहां फेंकने लगे। वो वहीं खड़े रहे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन वो खड़े रहे। कचरे के ढेर ने उन्हें पूरा ढक दिया, पर वो बस खड़े रहे। तब राजा जनक ने पूछा, क्या हो रहा है?
वो बोले वो वहीं खड़े हैं। जनक बोले उनसे बोलो कि नहा ले, उन्हें नए कपड़े दो और मेरे पास लेकर आओ। तो ऐसा किया गया और तब वो जनक के सामने आए। जनक बोले देखो आपके यहां आने के उपलक्ष्य में मैंने ये सारे आयोजन और उत्सव रखे हैं, कई सारी चीजें यहां हो रही हैं, जाइए और इसका आनंद लीजिए, बस ये बर्तन अपने साथ रखना। वो बर्तन ऐसा था कि वो दूध से लबालब भरा था। वो बोले ये बर्तन अपने साथ रखिए और जो भी आपके सम्मान में ये आयोजन रखे गए हैं जाकर इनका आनंद लीजिए और फिर वापस यहां आइए। तो शुक्य बर्तन लेकर जाने लगे, ये तो लबालब भरा है। जनक ने अपने सैनिकों से कहा कि अगर एक बूंद भी इसमें से गिर जाए तो इनकी गर्दन उड़ा देना। तो जब आपकी गर्दन का सवाल हो तो पता है ना आप कितना संभाल कर चलेंगे, बहुत ध्यान से एक भी बूंद गिराए बिना वो सारे आयोजनों में से होकर वापस आ गए। तो आपने उत्सवों का आनंद लिया, जनक ने पूछा। वो बोले कौन से उत्सव, मैं तो बस इस दूध को देख रहा था। तब जनक बोले अब आप समझिए कि ये मैं हूं, बस ये देखने के लिए कि दूध गिर ना जाए आपको इतने ध्यान की जरूरत पड़ी। परमात्मा से निरंतर जुड़े रहने के लिए इससे कहीं ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है, पर मुझे देखिए मैं इसके बावजूद अपने आसपास की हर चीज में शामिल हूँ। आप अभी भी उस स्थिति में हैं कि अगर आप एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें तो दूसरी चीज आपसे नहीं हो पाएगी, तो आपको इस पर काम करना होगा। और उन्होंने सुख को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें हर कोई जन्म से ही संत की तरह पूछता था, जिनका जन्म ही एक संत की तरह हुआ, पर उन्हें इसकी जरूरत थी। क्योंकि एक चीज है अपने अंतरतम से जुड़ने के लिए सबसे दूर हो जाना, पर उसके साथ सक्रिय भी रहना एक अलग चीज है। मेरा सारा काम इसी बारे में है। मेरा काम कोई शिक्षा नहीं है, ना कोई फिलॉसफी, ना कोई विचारधारा, ना ही ये शास्त्र से उठाया गया है। ये बस तकनीकें हैं आपको ऐसी प्रक्रियाएं देना कि आप अगर यहां बैठे हैं तो आपका शरीर यहां है, आपका मानसिक क्षेत्र कहीं और काम कर रहा है, पर आप जो हैं वो इनसे कुछ दूरी पर है। एक बार आपके और आपके शरीर के बीच थोड़ी दूरी हो जाए तो शारीरिक दुख समाप्त हो जाएंगे। एक बार आपके और आपके मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बीच थोड़ी दूरी हो जाए तो मानसिक दुख समाप्त हो जाएंगे। आप हर चीज का आनंद ले सकते हैं, आप हर चीज में शामिल रह सकते हैं, पर किसी भी चीज में उलझे बिना।